ओके गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स पे। और एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओ लेवल्स मैथमेटिक्स का, और इसका आप क्वेश्चन डेफिनेटली पेपर वन हो ओ लेवल्स मैथ्स का या पेपर टू हो, दोनों में इसके क्वेश्चन आते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और एक दफ़ा अगर आपकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर इसकी ग्रिप है तो इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ा मज़ा आता है। और आज हम और आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनमें हम एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे क्या होती हैं प्रॉपर्टीज, और उसके रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पे। लेट्स सी डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल, बट बिफोर दैट सर्कल्स की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, तो उनके बारे में आपको बताऊंगा। अब ये हमारे पास एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ हुआ हुआ है, जैसे कि मैंने पहले से दो सर्कल्स यहाँ पे ड्रॉ कर रखे हैं। यहाँ पे जो सर्कल के ये जो सर्कुलर बाउंड्री है इसको हम कहते हैं सर्कमफेरेंस, और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है सर्कल की। सो दिस इज़ कॉल्ड सर्कमफेरेंस। अगर मैं सेंटर को ओ ले लूँ और इससे मैं अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं जो कि दोनों सर्कमफेरेंस के एंड को टच करें, उसको ड्रॉ करके देख लेते हैं यहाँ पे। सो ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी जो कि सेंटर से पास हो रही है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे कि ये स्ट्रेट लाइन सेंटर से पास हो रही है और ये दोनों एंड सर्कमफेरेंस के टच कर रही है, और इस लाइन को हम कहते हैं डाया मीटर। और अगर मैं इसको हाफ कर दूं, इस लाइन को अगर मैं हाफ कर दूं यहाँ पे, सो दिस इज कॉल्ड माय रेडियस। यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं रेडियस को भी। ये मेरे पास सेंटर है ओ, सो दिस इज माय रेडियस। सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक जो पॉइंट जो लाइन ड्रॉ की गई है वो रेडियस कहलाती है, और सेंटर से लेके दो एंड सर्कमफेरेंस तक जो लाइन ड्रॉ की जाएगी उसे हम डायमीटर कहेंगे। एंड ऑब्वियसली इस अगर हम डेफिनेशन को फॉलो करें सो रेडियस विल बी हाफ ऑफ डायमीटर। और आगे कुछ और टर्मिनोलॉजीज हैं सर्कल की जिसको हम देख लेते हैं। एक और सर्कल यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। लेट्स से मेरे पास एक सर्कल है और इस पे मैं कहीं भी एक लाइन ड्रॉ कर दूं जो कि दो एंड्स को सर्कल के टच कर रही हो, सो दिस लाइन इज कॉल्ड कॉर्ड। ये जो लाइन है मेरी स्ट्रेट लाइन सर्कल पे किसी भी जगह पे वो कहलाती है कॉर्ड अदर देन सेंटर। सेंटर से अगर वो लाइन पास नहीं हो रही और किसी और पॉइंट से पास हो रही है तो दैट इज कॉल्ड माई कॉर्ड। और कॉर्ड जो है आपके सर्कल को दो सेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है, बाइसेक कर देता है। एंड वन सेगमेंट इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट, जो कि बड़ा सेगमेंट है उसको मेजर सेगमेंट कह लेते हैं। एंड द अदर वन इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। और भी प्रॉपर्टीज़ या और भी टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं हमारे सर्कल से रिलेटेड, उसमें से एक और है हमारे पास। अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं सर्कल से जो कि सर्कल को टच करे उसको इंटरसेक्ट ना करे, देखें ये जो मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है ये सर्कल को टच करते हुए जा रही है, और इस लाइन को हम कहेंगे टेंजेंट। टच से आप टेंजेंट को याद कर सकते हैं, टेंजेंट इज़ द लाइन विच टचेज द सर्कल एट अ सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट पे लाइन टच कर रही है एंड दिस लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट। सो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं सर्कल के हवाले से जो हमें पता होना चाहिए एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल पढ़ने से पहले। सो लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स आर फर्स्ट एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ सर्कल। ओके, एंगल प्रॉपर्टी नंबर वन इज़ वेरी सिंपल, और सबसे आसान प्रॉपर्टी है ये एंगल प्रॉपर्टीज में से, और इसमें कहा ही जा रहा है द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ राइट एंगल। कोई भी एंगल अगर आप सेमी सर्कल में ड्रॉ करेंगे तो वो राइट एंगल होगा। सबसे पहले देख लेते हैं सेमी सर्कल क्या होता है। अगर आप एक डायमीटर ड्रॉ करेंगे अपने सर्कल से, सो दिस डायमीटर
बाइसेक्ट द सर्कल इनटू टू सेमी सर्कल्स. ये दोनों जो हैं सेमी सर्कल्स हैं, और अगर आप सेमी सर्कल के ऊपर कोई भी एंगल बनाएंगे, यानी कि मैं एक सर्कमफेरेंस के एंड से सर एंगल बनाऊं और दूसरे एंड तक जाऊं, सो दिस एंगल विल बी 90 डिग्रीज. डायमीटर से अगर मैंने कोई एंगल बनाया है और सेमी सर्कल के ना देखें सर एंगल बन रहा है, एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री. सो दिस इज वेरी सिंपल एंड इजी एग्जांपल कि अगर आप एक डायमीटर ड्रॉ करते हैं और उससे अगर आप एक एंगल बनाते हैं एक एक्सट्रीम एंड से, यानी कि एक एंड से डायमीटर के दूसरे एंड तक जाते हैं, और उससे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्रीज ही होगा. अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. ओके, ये मेरे पास एक एग्जांपल है, और उसमें यहाँ पे मेरे पास एक डायमीटर ड्रॉ किया गया है और उससे मैंने एक एंगल बनाया है यहाँ पे, एंड मुझे ये एंगल 41 डिग्रीज दिया गया है. दिस एंगल इज 41 डिग्रीज, दिस एंगल इज पी, एंड दिस एंगल इज क्यू. This angle is P and this one is Q. So I have to find P and Q. So इसको देखते हुए मैं easily कह सकता हूँ कि P is 91 since angle in a semicircle is right angle. पेपर में अगर आप जस्टिफिकेशन दें अपनी आंसर्स की तो ये बहुत अच्छा होगा, और मैं हमेशा ये इंकरेज करता हूँ स्टूडेंट्स को कि वो ज़रूर डिस्क्रिप्शंस लिखें अपने आंसर्स की, चाहे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें चाहे आप वर्डिंग्स के फॉर्म में लिखें, लेकिन लिखें ज़रूर. और क्यों अगर मुझे फाइंड करना है तो देखें, ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, इसके अंदर मेरे पास एक एंगल 90 है, एक एंगल है मेरे पास 41, एंड क्यू इज अननोन, एंड वी नो दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180. सो इसको मैं यूज़ करते हुए क्यू फाइंड कर सकता हूँ. सो क्यू विल बी 180 माइनस 90 एंड माइनस 41, एंड क्यू विल बी इक्वल्स टू 49. ओके गाइस, यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं, और ये एग्जांपल थोड़ी सी टिपिकल सी है, लेकिन इसके अंदर आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट इस प्रॉपर्टी के हवाले से क्लियर होंगे. इसमें हमें कहा गया है कि अननोन्स फाइंड करने हैं हमें, सारे अननोन्स यहाँ पे सी है, ई, एंड दिस इज आई गेस डी, एंड 66 हमें एक एंगल दिया गया है, और यहाँ पे जो सेंटर है वो है जी, एज इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन एज वेल कि सेंटर है जी. सो द लाइन इज पासिंग थ्रू द सेंटर एंड टचिंग द टू एंड्स ऑफ द सर्कमफेरेंस, सो इट मीन्स इट इज अ डायमीटर, एंड द एंगल ड्रॉन फ्रॉम द डायमीटर इज ऑफ 90 डिग्रीज. सो अगर हम प्रॉपर्टी अपनी देखें पहली वाली, उसके हिसाब से ये जो एंगल है ये वाला, दिस इज 90 डिग्रीज, एंड दिस एंगल इज 66 डिग्रीज, एंड दिस एंगल इज सी. सो इफ आई कंसीडर दिस होल ट्राइंगल, ये बड़ा वाला ट्राइंगल अगर मैं कंसीडर करूँ, सो इसके अंदर मुझे दो एंगल्स पता हैं, ये एंगल मेरे पास 90 डिग्रीज है ये वाला, ये एंगल 66 है, एंड सी आई हैव टू फाइंड, सो आई कैन ईजिली फाइंड सी, और सी हम फाइंड करते हैं इस केस में. सो सी विल बी सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स, एंड 90 प्लस सी प्लस 66 विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, एंड सी विल बी 180 माइनस 99 माइनस 66 which will give me C is equals to 24. C मुझे पता चल चुका है, और मुझे इस क्वेश्चन के अंदर कुछ और चीज़ें मैं कुछ और इंफॉर्मेशन मैं गैदर कर सकता हूँ, वो ये हैं कि ये यहाँ से लेके
इस सेंटर से लेके इस एंड तक जो लाइन है दैट इज़ माय रेडियस, एंड इस पॉइंट से लेके अगेन सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक जो लाइन होती है वो रेडियस होती है. सो इट मीन्स ये दोनों सेम है, एंड इस सेंटर से लेके ये लाइन भी सर्कमफेरेंस है. सो इट मीन्स दीज थ्री लाइन्स आर इक्वल. और हमें पता है कि बेस एंगल्स ऑफ अ आइसोसेलेस ट्राइंगल आर सेम, बिकॉज यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है ये वाला, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है क्योंकि इसकी दो साइड सेम है और एक साइड डिफरेंट है. और ये दो साइड सेम है तो ये दो बेस एंगल्स सी एंड ई विल बी सेम, दैट इज 24 डिग्रीज. सो ई विल ऑल्सो बी 24 डिग्रीज. नाउ आई हैव टू फाइंड डी. डी भी बड़ी आसानी से फाइंड आउट हो सकता है मेरे पास, सिंस ये लाइन और ये लाइन सेम है. और इस ट्राइंगल को अगर मैं कंसिडर करूँ, तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है. और आइसोसेलेस ट्राइंगल की जो बेस एंगल्स होते हैं, सेम साइड्स के बेस एंगल होते हैं, सेम होते हैं. सो डी एंड 66 विल बी अगेन सेम. सो डी विल बी 66 डिग्रीज. सो यहाँ पे हमारे पास जितने भी अननोन्स थे हमने फाइंड कर लिए हैं, और यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है. और अब हम अगली प्रॉपर्टी की तरफ मूव ऑन करते हैं. ओके, प्रॉपर्टी नंबर टू अगेन बहुत ही सिंपल है. और इसमें ये कहा जा रहा है कि एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल एट सर्कमफेरेंस इफ ड्रॉन फ्रॉम द सेम आर्क. इसका क्या मतलब है, इसको हम यहाँ पे देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है. लेट से मेरे पास ये सर्कल है और इसका ये सेंटर है ओ, एंड अगर मैं इस सेंटर से एक एंगल बनाऊं, सो दिस विल बी एंगल एट अ सेंटर. और देखें मैंने यहाँ पे सेंटर से दो पॉइंट्स जो कि सर्कमफेरेंस को टच कर रहे हैं वहाँ से मैंने एक एंगल ड्रॉ किया है. दिस इज़ कॉल्ड एंगल एट सेंटर. एंड देन इसी पॉइंट से मैं एक एंगल बनाऊँ सर्कमफेरेंस पे, सो दिस इज़ कॉल्ड माई सेम एंगल एट सर्कमफेरेंस. इसको मैं एक्स कह लेता हूँ, इसको मैं वाई कह लेता हूँ. एंड लास्ट थिंग यहाँ पे मुझे क्या ध्यान में रखनी है कि इट मस्ट बी फ्रॉम द सेम आर्क. देखिए दोनों का आर्क जो है वो सेम ही है. सो दिस प्रॉपर्टी सेज दैट एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस एंगल एट द सर्कमफेरेंस. सो एक्स विल बी ट्वाइस ऑफ वाई, यानी कि एक्स का जो भी एंगल होगा y उसका हाफ होगा, या y की जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे x जो है उसको डबल करके आएगा. और ये बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी थी, इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पे. ओके गाइस, यहाँ पे मेरे पास एग्जांपल गिवन है और ये बिल्कुल फिट बैठ रही है मेरी एंगल प्रॉपर्टी नंबर टू से, बिकॉज यहाँ पे दो एंगल ड्रॉ किए हैं सेम आर्क से, और एक है एंगल एट द सेंटर, एक है एंगल एट द सर्कमफेरेंस. And we know that from the property that angle at a center is twice of angle at circumference. So angle at circumference is 51. So angle at the center will A, which is A in this case, will be twice of 51. We can apply this property over here. So this will be 102. And then इसके बाद मुझे B find करना है. अब मेरे पास ये angle 102 है. And I know this. ये एंगल मेरे पास 102 है और ये पूरा एंगल मुझे पता है कि 360 के बराबर होता है. सो 202 प्लस बी विल बी इक्वल्स टू 360, बिकॉज दिस होल, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट विल एड अप टू 360. सो बी विल बी 360 माइनस 102. And I can say that B is equals to 258. ये बहुत easy example थी, एक थोड़ी मुश्किल example को देखते हैं. Okay guys, ये बड़ी ही important example है यहाँ पे. और यहाँ पे हमें again unknowns find करने. और अगर मैं यहाँ पे unknowns देखूँ तो मेरे पास O angle एक unknown है, E and C, these are the three unknowns which I have to find. But ये find करने से पहले
मुझे कुछ और एंगल्स फाइंड करने पड़ेंगे जो कि मुझे इन एंगल्स तक लेके जाएंगे। सो सबसे पहला मेरी अप्रोच इस तरह के क्वेश्चंस में ये होनी चाहिए कि मैं अपनी आसानी के लिए वो चीज़ें आइडेंटिफाई कर लूँ जो कि मुझे नोन है। लेट्स से दिस लाइन एंड दिस लाइन, दिस टू लाइंस आर इक्वल, सो इफ़ आई कैन फाइंड दिस एंगल आई कैन ईजिली फाइंड सी, बिकॉज़ ये एक आइसोसेलिस ट्राइंगल बन जाएगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे मैं शेड करके आपको दिखा दूँ, आइसोसेलिस ट्राइंगल, और आइसोसेलिस ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं, और जो दो साइड्स इक्वल होती हैं उनके बेस एंगल सेम होते हैं, सो सी एंड दिस अननोन एंगल विल बी सेम। सो देखते हैं कि मैं ये एंगल किस तरह से फाइंड कर सकता हूँ। ये एंगल बहुत इजीली फाइंड हो सकता है यहाँ पे, होता है यहाँ पे। लेट्स से मैं इसको एक्स कह देता हूँ, एंड एक्स प्लस 158 विल बी इक्वल्स टू 180, बिकॉज ये पूरा एंगल दिस होल एंगल इज ऑफ 180 एंड सम ऑफ दीज टू एंगल एक्स एंड 150 विल गिव मी इक्वल्स टू 180, सो आई कैन ईजिली फाइंड एक्स, और एक्स हो जाएगा मेरा इस केस में 180 माइनस 158, सो माई एक्स विल बी 22। सिंस माई एक्स इज 22, माई सी विल ऑल्सो बी 22 बिकॉज इट्स अ बेस एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैविंग टू इक्वल साइड्स। नाउ जो मेरा नेक्स्ट टारगेट है वो ये है कि मैं ये वाला एंगल फाइंड करूं, बिकॉज़ ये एक दफ़ा मेरे पास फाइंड हो जाएगा, सो आई और मुझे सी पता है, तो इन दोनों का जो सम है वो इस एंगल ई के ट्वाइस होगा। सो ये इजीली फाइंड हो सकता है बिकॉज सी इज़ 22, दिस इज़ 121 एंड दिस होल एंगल इज इक्वल टू 120 180, सो इसको मैं वाई कह देता हूँ। सो माई वाई प्लस 122 प्लस 121 विल बी इक्वल्स टू 180 एंड माई वाई विल बी 180 माइनस 22 माइनस 121 एंड माई वाई विल बी 37। सो दिस एंगल इज 37 एंड दिस होल एंगल, ये पूरा का पूरा एंगल जो है वो वाई प्लस सी होगा, एंड वाई इज 37, सी इज 22, दिस होल एंगल विल बी 59। एंड आई नो के एंगल एट अ सेंटर इज ट्वाइस ऑफ एंगल एट द सर्कमफेरेंस, तो एंगल एट द सर्कमफेरेंस इज 59 एंड माई एंगल एट अ सेंटर इज ई, सो आई कैन सिंपली मल्टीप्लाई इट बाई 2 टू गेट माई एंगल ई, सो ई विल बी 118, सो ई विल बी एंगल ई विल बी 118 डिग्रीज। सो नेक्स्ट टारगेट इज टू फाइंड डी, एंड आई नो दैट दिस एंगल इज 37 बिकॉज दिस इज ऑल्सो 37, ये अगर 37 है तो ये भी 37 होगा बिकॉज दीज टू साइड्स आर सेम, और जब दो साइड सेम हो एक ट्राइंगल की तो उसके एंगल्स भी सेम होते हैं, सो ये भी 37 होगा, और हमें पता है कि ये पूरा एंगल जो है ये सप्लीमेंट्री एंगल है, एंड सम ऑफ ऑल द एंगल इन द सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इक्वल्स टू 180, सो यहाँ पे दो ही एंगल हैं, 37 प्लस डी इक्वल्स टू 180 एंड डी इक्वल्स टू 180 माइनस 37 एंड डी विल बी 143। सो आज की वीडियो में हमने दो एंगल प्रॉपर्टीज को कवर किया है, आने वाली वीडियो में मजीद एंगल प्रॉपर्टीज टोटल सिक्स है हमारे पास,
उन सब को भी कवर करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स आती रहें। थैंक यू।